देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है। डेंगू से बचाव के लिए खुद पार्षद ने ही संभाली कमान। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 में डेंगू से बचाव के लिए खुद पार्षद व उनके साथियों ने कमान संभाल रखी है। देश में कोरोना महामारी ने अपने पूरे पैर पसार लिए हैं। उसका खतरा लोगों के बीच पल पल बना रहता है। अब डेंगू के खतरे को देखते हुए खुद ही पार्षद द्वारा डेंगू की दवाई का छिड़काव अपने वार्ड के अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। कोरोना के साथ साथ डेंगू का प्रकोप भी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें नगर निगम के पार्षद ने एक्शन लेते हुए कहा कि पूरे वार्ड में डेंगू की दवाई का छिड़काव किया जाना जरूरी था, इसलिए पार्षद द्वारा खुद ही दवाई छिड़काव का जिम्मा संभालना पड़ा। पार्षद के साथ साथ उनके कुछ साथी भी अलग अलग क्षेत्रों में डेंगू की दवाई का छिड़काव करते हुए नजर आए। पूरे वार्ड नंबर 31 को कोरोना महामारी के समय सैनिटाइज किया गया था। अब उसी तरह डेंगू की दवाई का छिड़काव भी पूरे वार्ड में अच्छी तरह से किया जा रहा है। वार्ड 31 के शकील अंसारी का कहना है कि क्षेत्र में डेंगू मच्छर का प्रकोप अधिक बढ़ गया है, जिससे दवाई का छिड़काव होना बेहद जरूरी था। डेंगू की दवाई का छिड़काव के वक्त वार्ड वासी शकील अंसारी, चांदवारसी, शकीला बेगम, राजू भाई, आरिफ आदि लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से रिपोर्टर शाहनवाज मलिक की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही विशेष खबरों के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।